वेलकम टू द परफेक्ट पकवान। हमारी आज की रेसिपी कोई स्वीट्स या कोई स्नैक्स नहीं है, क्योंकि दिवाली का मौका है तो मोस्टली पीपल आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं। बल्कि इन सबको डाइजेस्ट करने के लिए आज मैं आप लोगों के लिए एक डाइजेस्टिव टी लेकर आई हूँ। कुछ भी हैवी खाने के बाद आप उस टी को अगर लेते हैं तो जो भी आपने हैवी खाया है वो बहुत जल्दी आप डाइजेस्ट करेंगे और उसका फैट भी आपके ऊपर असर नहीं करेगा। ये घर में मिलने वाले बहुत ही सिंपल से सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से बन जाती है। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है जिंजर। जिंजर जैसे कि इसका नाम है आप जानते ही हैं, ये गुड़ों की खान है। इसमें इतनी सारी बीमारियों को दूर करने की ताकत होती है, जैसे कि म्यूकस यानी कि जो हमारे गले में सर्दी खांसी हो जाती है तो हम बलगम जम जाता है तो ये उसको बहुत अच्छे से दूर कर देता है। शुगर को बैलेंस करता है, डाइजेशन सिस्टम हमारा बहुत अच्छा कर देता है। बॉडी में जो स्वेलिंग होती है जिससे कि हम मोटे मोटे दिखते हैं लेकिन हम इतने मोटे होते नहीं हैं, वेट हमारा इतना नहीं होता है लेकिन हमारी बॉडी में स्वेलिंग होती है तो उसको भी कम करता है। पेन जो बॉडी में हल्का हल्का रहता है उससे भी हमको आराम देता है। अर्थराइटिस की जिसको प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये फैट को बहुत अच्छे से बर्न करता है। इसके रेगुलर 1 मंथ यूज़ करने से जो बॉडी में एक्स्ट्रा फैट होता है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। जब फैट मेल्ट होता है तो वेट अपने आप लूज होता है। हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट्स है सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी। ये आपके छुपे हुए बुखार को कम करता है। छुपे हुए बुखार से मेरा मतलब, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, ऐसा फील करते हैं जैसे कि हमको बहुत फीवर आ रखा है लेकिन हम जब थर्मामीटर में नापते हैं तो वो फीवर होता नहीं है, बस महसूस हो रहा होता है। तो इस टाइप की जैसे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो अगर आप इस टी को लेते हैं तो वो भी आपकी सॉल्व हो जाती है। इसको पीने से नींद बहुत अच्छी आती है। स्किन और बालों के लिए तो ये वरदान है। हड्डियों को ये बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है तो ये इसको भी ठीक कर देती है। टीथ में कोई प्रॉब्लम है तो दालचीनी उसके लिए बहुत बेनिफिट है। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अगर हमने जैसे कभी भी हैवी खाना खाया होता है तो हमारा स्टमक फूला फूला सा महसूस करता है, हैवी हैवी सा। अगर हम कुछ भी हैवी खा लेते हैं उसके बाद इस टी को लेते हैं तो आपको ना तो आपका पेट फूला हुआ और हैवीपन कुछ भी महसूस नहीं होगा। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 250 ml वाटर, 250 ml पानी को उबलने देंगे। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो सबसे पहले हम दालचीनी डालेंगे। दालचीनी डाल के हमें 2 मिनट के लिए फिर इसको उबालना है स्लो गैस पर। उसके बाद फिर हमने 1 टेबलस्पून जिंजर लिया है ग्रेट करके, वो डाल देंगे और उसको भी ढक देंगे। उसके बाद 2 मिनट हमें फिर इसको बिल्कुल स्लो गैस पे 2 से 3 मिनट बॉईल करना है और बस छान लेना है। डाइजेस्टिव टी को हम दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। जब भी हमने हैवी खाना खाया है, कुछ भी हैवी लिया है तो उसके 15 से 20 मिनट्स बाद हम इसको ले सकते हैं। इंजॉय कीजिए आप अपनी डाइजेस्टिव टी को और अपने फेस्टिवल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।